पूजा पाठ, कर्म कांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, महाविद्या साधना के क्रम में तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी माँ के मूल स्त्रोत्र अपराध क्षमापन प्रातस्वरामी स्त्रोत्र उनके मूल मंत्रों के विषय में यह क्रम चल रहा है। आज माता त्रिपुर सुंदरी के कवच का प्रयोग आपको देते हैं। कवच के पाठ से सर्वविधि रक्षा होती है, इसलिए कवच का पाठ करने के बाद में ही मंत्र का जाप करना हो या स्त्रोत्र का पाठ करना हो, कवच उसमें सबसे श्रेष्ठ है, श्रवण करें। अथ श्री त्रिपुर सुंदरी कवचम भैरवी उवाच देव देव महादेव भक्तानां भीति वर्धन सूचितं यत्त्वया देव्याः कवचं कथयस्व मे श्रण देवी प्रवक्षामि कवचं देव दुर्लभम् अप्रकाश्यं परम गुह्यं साधकाभीष्ट सिद्धिदम् ओमस श्री बाला त्रिपुर सुंदरी कवचस्य श्री दक्षिणामूर्ति ऋषि पंक्ति छंद श्री बाला त्रिपुर सुंदरी देवता ऐं बीजम सौ शक्ति क्लीं कीलकम चतुर्वर्ग साधने पाठे विनियोग ओम श्री दक्षिणामूर्ति ऋषे नमः शिरसि श्री पंक्ति छंदसे नमः मुखे श्री बाला त्रिपुर सुंदरी देवताय नमः हृदि ऐं बीजाय नमः नाभौ सौम शक्ते नमः गुह्ये क्रीं कीलकाय नमः पादयोः श्री चतुर्वर्गम साधने पाठे विनियोगाय नमः सर्वांगे ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः हृदयाय नमः क्लीं तर्जनीभ्याम नमः शिरसे स्वाहा सौम मध्यमाभ्याम नमः शिखाये वखट ऐं अनामिकाभ्याम नमः कवचाय हुम क्लीं कनिष्ठिकाभ्याम नमः नेत्रत्रयाय वौषट ओम सौह कर्तल कर पृष्ठाभ्याम नमः अस्त्राय फट अथ ध्यानम मुक्ता शेखर कुंडलाद गदमणिम ग्रैवेयहारोन्मिकाम विद्यो तद बलयादि कंकण कटि श्रोत्रा सुरन्नो पुराम माणिक्योदर बंध कंबु कबरी मिंदो कला विभ्रती पासाम चांकुश पुस्तकास्त बलयम दक्षोर्ध बालादितः लं पृथ्वी तत्वात्मकम् गंधम श्री त्राप्त बाला त्रिपुर सुंदरी प्रीते समर्पयामि लम आकाशम तत्वात्मकम् पुष्पम श्री बाला त्रिपुर सुंदरे प्रीते समर्पयामि यम वायु तत्वात्मकम् धूपम श्री बाला त्रिपुर प्रीते घ्रा पयामि नमः रम अग्नि तत्वात्मकम् दीपम श्री बाला त्रिपुर प्रीते दर्शयामि नमः वम जल तत्वात्मकम् नैवेद्यम श्री बाला त्रिपुर प्रीते निवेदयामि नमः सम सर्व तत्वात्मकम् तांबूल श्री बाला त्रिपुर प्रीते समर्पयामि नमः प्रणमामि ऐं बाग भवं पातु शीर्षम क्लीं कामस्तु तथा हृदि सौः शक्ति बीजं च पातु नाभौ गुह्ये च पादयोः ऐं क्लीं सौ वदने पातु बाला मां सर्वसिद्धये हसकल ह्रीं सौः पातु भैरवी कंठदेशतः सुंदरी नाभिदेशेभ्यः शीर्षिका सकला सदा भ्रूहनाशयोरन्तराले महात्रिपुर सुंदरी ललाटे सुभगा पातु भगां मां कंठदेशतः भगां देवी तु हृदये उदरे भगसर्पणी भगमाला नाभिदेशे लिंगे पातु मनोभवा गुह्ये पातु महादेवी राजराजेश्वरी शिवा चैतन्य रूपिणी पातु पादयोर्द जगदंबिका नारायणी सर्वगात्रे सर्वकारे सुभंकरी ब्रह्माणी पातु मां पूर्वे दक्षिणे वैष्णवी तथा
पश्चिमे पातु बाराही उत्तरे तु महेश्वरी अग्नय्याम मातु कौमारी महालक्ष्मीश्च नैऋते वायव्याम पातु चामुंडा इंद्राणी पातु चेषके जले पातु महामाया पृथिव्याम सर्वमंगला आकाशे पातु वरदाम सर्वतो भुवनेश्वरी इदं तु कवचं नामो देवानामपि दुर्लभम् पठेत् प्रातः समुत्थाय शुचि प्रयत मानसः नाधयो व्याधयस्तस्य न भयं च क्वचिद् भवेत् न च मारी भयं तास्य पातुकानां भयं तथा न दारिद्र्यं वस गक्षेत तिष्ठेन् मृत्यु वसेन च गक्षे शिवपुरे देवी सत्यं सत्यं वदाम्यहम् इदं कवचमज्ञात्वा श्रीविद्यां यो जपेच्छिवे सनाप्नोति फलं तस्य प्राप्नुयाच्छवघातनम् श्रीरुद्रायामले तंत्रे भैरवी भैरव संवादे बाला त्रिपुर सुंदरी कवच संपूर्णम् बली बाला त्रिपुर सुंदरी महाविद्या महामाया की जय। आज यहां से त्रिश्री महाविद्या त्रिपुरुष बाला त्रिपुर सुंदरी माँ का कवच पूर्ण हुआ। आज के लिए इतना ही। आगे के क्रम में आपके लिए अगली महाविद्या का प्रयोग लेकर उपस्थित होते हैं। नमस्कार।